मुबारक हेलो हम भी आ गए साथ ही आ गए तो <coughs> कुछ खबरें लास्ट टाइम की थी वो इस दफा हम लोग कर लेंगे बस हमने करंट करंट ना पहले में निकाल देते होते हैं ताकि आप लोगों का वो जो रोना शुरू होता है ना इतने वो हो गए बाद आप ये खबर दे रहे हैं सो वी ट्राई टू डू इट इन दैट वे एनी वे बिफ़ोर वी मूव टू द इंट्रो मैं पहले बता दूँ कि लाइक करें सब्सक्राइब करें पेट्रन बने इजी पैसा जाएज कैश रास पे जाएँ और पाँच सौ रुपये आप ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर हिम टू सिंह वे व्यर ऑल्सो ऑन स्नैक वीडियोज मैंने इसको का एंड लिंग शेयर कर दें वो 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 कर देगा उस पर भी आप फॉलो कर लें ठीक है नाव वी गो टू द इंट्रो वेलकम बैक अच्छा मैं आप अच्छी किसी जरा अच्छी जो भी कह रो खैर ज़रा बेहतर न्यूज़ से मैं शुरू करती हूँ बिकॉज़ उसके बाद बहुत बैड सीन है अच्छा तो पहली न्यूज़ वो ये है कि शाही किले की जो है वो बहाली के ऊपर जो है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वॉल सिटी अथॉरिटी का विद फ्रेंच कंपनी और वो तकरीबन तीन अरब सड़सठ करोड़ जो है उसके ऊपर खर्च होंगे आप किले लास्ट टाइम कब गए थे नहीं, मैं तो जाता रहता हूँ लेकिन तो तो आप जाते रहते हैं बस किसी किसी न चक्कर में जाना अच्छा। हो जाता है 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 लेकिन वो वो अरब सर करोड़ जो है, वो फ्रांस ही दे रहे। हा, हा, तो वो वो दे वही रहा हमारे नहीं है हम तो सिर्फ उसमें हम जो है वो सैंतीस करोड़ दे रहे उसमें उसको भी बहाल करने के लिए ठीक है जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि वहाँ वो इतना नाजुक है उसका सारा काम उसकी रिहेबिलिटेशन का कि वो इस तरह के एक्सपर्ट्स उन्होंने बुलाए हैं जो आके इस वक्त वो काम कर रहे हैं फॉर इस कंप्लीट रेस्टोरेशन उनको मैं यही मशुरा दूंगा कि जितने पैसे पहले पकड़ सकते हो पकड़ लेना <laughs> डब्ल्यू सी एल नहीं <laughs> काम करा में <laughs> नहीं तो आए हैं मैं बता हाँ। रहा हूँ पैसे नहीं मिलते

अ uh, एक uh, 1082 पीपल जो हैं वो दे वर रॉब्ड व्हाइल यूजिंग द एटीएम नहीं 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 बैंक से पैसे लेकर वो निकले हैं हाँ, विथड्रॉ हाँ के हां कोई विथड्रॉ करा के uh, जब वो बाहर गए ठीक है तो उनके पीछे पीछे ऑब्वियसली किसी ने रखा होगा कि जी ये इधर जा रहा है असल में वही वाली बात है कि आप ना कुछ भी नहीं कह सकते उसकी वजह ये है कि कुछ भी कहने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए वो डाटा आपके पास नहीं है मसलन ये है कि है। एक बंदा बैंक के अंदर गया वो पैसे जमा करवाने गया या निकलवाने गया ठीक है।, है या वो अपना कोई बिल जमा कराने गया या वो अपना कोई टैक्स सर्टिफिकेट लेने गया वो जब बाहर निकला तो मसला ये था कि यह भी हो सकता है कि पांच लोगों को गन पॉइंट पे रोका गया हो ठीक है जिनमें से वही बात सिर्फ एक हजार बयासी थे जो कैश निकलवा के ला रहे थे एक जिसमें सबसे बड़ा जो केस था वो अट्ठाईस लाख रुपया था उसके पास अच्छा तो अब अगर तो पांच हजार लोगों को रोका ठीक है और उसमें से एक हजार ऐसे थे जो पैसे निकलवा के ला रहे थे जो लूट गए तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि जी वो बाहर बस खड़े होते हैं वो देखते हैं कौन बैंक से आ रहा है उसको फॉलो करते हैं अगर उन्होंने एग्जैक्टली वन थाउजेंड एंड एटी टू लोगों को टारगेट किया जो कि पैसे निकलवा के ला रहे थे तो फिर ये कहा जा सकता है कि अंदर से कोई बताता है कि फलाना बंदा पैसे लेके निकला है इसको देख लो लेकिन हम डेटा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे अगर पांच हजार लोगों को रोका गया अगर जिनमें से चार हजार नौ सौ बाईस के पास तो थे ही नहीं तो उनको अगर नुकसान नहीं हुआ तो क्या वो थाने गए ये बताने रिपोर्ट कराने के हमें इस तरह गन पॉइंट पे रोका गया नहीं जिसका नुकसान ही नहीं, नहीं हुआ तो चीज ये है कि जिनका नुकसान हुआ वो भी रिपोर्टेड वो भी थाने तो इसीलिए गए होंगे ना कि यार अब वो चला गया है जो पैसा मैंने पता नहीं किसके देने थे या क्या करना था मैंने उसे टाइम बाय करना है मैंने उसको जाके बताना है ये देखो मैं लुटा गया हूँ वरना ये तो कोई थाने इसलिए थोड़ी जाता है कि मैं जाऊंगा तो फिर बंदा पकड़ा जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा <laughs> थाने तो कोई जाने ही नहीं चाहता किसी के साथ रहती हुई है या नहीं हुई तो है डेटा तो

कभी एक दफा नहीं आप लोग काम आए <laughs> आप इसको किसी दिन मुझे सरप्राइज करें मेरे काम आके <laughs> आने नहीं वो उस तरह से सरप्राइज ना कर देना बी वेरी स्पेसिफिक सर वो सरप्राइज किसी भी तरह कर सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा जी आ, ये ना लास्ट टाइम से कुछ खबरें थीं वो भी हमारे पास पड़ी हुई थी आ, हीथ्रो एयरपोर्ट पे बेसिकली इस पाकिस्तान की सेवन के करीब जो रनवेज़ थे उसके अंदर से उन्होंने ना वो उन्होंने कहा है ब्रिटिश उन्होंने कि बड़ा ख़र्चा होता पैया तो लैंड होना नहीं क्योंकि हमारे पे पबंदी लगी हुई है पी पे तो उन्होंने कहा कि ये ना आप किराए पे चढ़ा दे 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 पे बेबी सिटिंग करने के लिए तो उसके अंदर से जो छः हैं उन्होंने दे दिए हैं इनको टर्किश एयरलाइंस को और एक जो है इस वक्त तो उनके पास है क्या नाम लेते हैं कोत एयरवेज़ के पास तो वो बेबी सेट हो रही है फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स उसका जो किराया चराया है वो सारी पेमेंट्स वगैरह वो लोग ही करेंगे क्योंकि तो पैसे नहीं है और हमारी जात भी नहीं वहाँ पर उठ रही लेकिन वो वहीं के वहीं हैं तो आप अभी हेथ्रो एयरपोर्ट गए हैं

वन ऑफ़ द फाइनेस्ट एयरलाइंस थी एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में प्लीज़ अगर आप कहीं से मुझे स्पॉन्सर करके कुवैत वापस बुला सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बुला लें प्लीज़ कोई तो पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं दे रहा नहीं वहाँ पे कोई अगर कोई है मुझे नहीं पता अली आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटी एट दिस वेरी पॉइंट आई जस्ट वांट टू गो अवे एंड प्रेफरेबली एट अ प्लेस जहाँ पे मेरा अच्छा बचपन गुजरा हुआ so, है सो खैर अच्छा जी ये ना जीबी का हुआ था कि जीबी वालों के साथ वहाँ पे स्पोर्ट्स गाला होने लगा था फॉर खातन और उन्होंने उसको कैंसिल करके इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर हुआ कि औरतों को क्यों खेलने दिया जा रहा है फलाना टमकाना उन्होंने कैंसिल करके उसका मीना बाजार वहां पर बना लिया यार हमारी ख़वात नॉट ओनली परफॉर्मिंग इन क्या नाम रहते क्रिकेट फुटबॉल में भी पिछले दिनों थे वो विनिंग uh, टेंट पैगिंग में भी उन्होंने वो जाके जो जॉर्डन में हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसके अंदर भी उन्होंने ब्रॉन्स लिया सब कुछ लिया एनानों की मौत पड़ गई है इस सारा ध्यान आपका खेलों की तरफ है रोटी कौन खाएगा जिंदगी संजीदी संजीदा चीजों पे भी गौर करें अच्छा सर आ गया अच्छा। तुम तो मैं तुम तो एंटी स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा ये भी मुझे फील होता जा रहा है तुम तो बहुत एंटी स्पोर्ट्स हो अच्छा जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो पेजो साहब कह रहे हैं कि दे आर गोइंग टू तो बी ट्रांसफर्ड ऑन सोलर पावर और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझे पूरी कॉस्टिंग करके बताएं वर्किंग जो कहते हैं ना पूरी वर्किंग करके दिखाएं फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे दे आर गोइंग जो बाकी कॉमन अस्पतालों में कुछ मिल रहा हो ना मिल रहा हो लेकिन उसको सोलर पे करने लगे हैं नहीं सोलर <coughs> पे तो जाहिर है अब तो हर चीज को सोलर पे होना चाहिए ठीक है वो और बात है कि जो नई सोलर पॉलिसी आई है उस पे सोलर ये जो कंपनीज यहां पे डील कर रही है, उन्होंने वो काफी किया है, है, है उसकी वजह ये है कि उससे फर्क तो पड़ता है, है मतलब उससे फर्क इस तरह से पड़ता है कि जितना पहले वो लुक्रेटिव था हाँ। अब उतना लुक्रेटिव नहीं रहा लेकिन आप ये कहो कि फर्क नहीं पड़ता तो जमीन आसमान का देखें जो नई पॉलिसी है ना उसके मुताबिक भी जो यूजर के लिए अभी मैं उस पर आता हूं जो कि कंपनीज का रोल है यूजर के लिए ये है कि आपका जो ऑफ पीक यूनिट है ना अच्छा पीक यूनिट पे तो आप कुछ खास बनाते ही नहीं ना क्योंकि पीक यूनिट कभी शाम छह बजे होता है सर्दियों में या पांच बजे जब सूरज बहुत ही जल्दी गरूब हो जाता है अच्छे थोड़े मौसम में छह बजे ज्यादा गर्मियों में सात बजे सो उस वक्त तक तो आपका ऊपर कुछ बन ही नहीं रहा होता तो अदरवाइज जो ऑफ पीक यूनिट है

अगर बड़ा आपने सिस्टम ऊपर लगाया हुआ है तो आप बेसिकली तो पीक आवर्स के बिजली के बिल दोगे ना बाकी तो आप तो तो नहीं, नहीं, तो आपका ऑफ ऑफ पीक पीक कट गया इसलिए है तो तो इन यूजर के लिए तो फायदेमंद है लेकिन एक चीज तो ये चने जी इस पे वैसे तो मैं नहीं मानता जहां मर्जी मेरी डिबेट करा दें मैं अपने साथ बड़े अपने दोस्त भी ले आऊंगा बड़े लड़के भी ले आऊंगा मैं मुझे ये जो इनके सारे करके दिखा दे मुझे बैस कि ये जो जो है बड़ी कोई हो रही थी जो इन्होंने इसको फिक्स करने की कोशिश की हाँ। है ये गलत है लेकिन चले ये मान भी और इन्होंने इसको फिक्स भी कर दिया भाई इतनी नेट मीटरिंग की जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग क्यों है हुँ। आप उनको मीटर लगा आपने मीटर भी महंगा कर दिया हमने तो उसपे भी कुछ नहीं कहा तुम्हें मसला हुआ था मैं कहता हूँ ठीक है दस हजार और दा दो और जो बंदा कह रहा है कि यार हाँ ठीक है इतने पैसे ठीक है और ये मेरा सिस्टम है और ये आके लगा दो तो आप उसको लगा के क्यों नहीं दे रहे हैं क्योंकि अच्छा फिर अब एक वो मैं पढ़ रहा था उसमें हमारा तो मतलब यूजर का तो कोई ताल्लुक नहीं है वो तो ये जो कंपनियां बेचती है सोलर उनका मसला वो कहते हैं जी कि इन्होंने जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना वो आप इम्पोर्ट करते हो जब सोलर का मतलब पूरा का पूरा पैनल या पूरा का पूरा इन्वर्टर या सारा कुछ तो वो उस पर इन्होंने ड्यूटी खत्म कर दी है अच्छा और अगर आप कंपोनेंट्स मंगवा के यहाँ पे आप खुद उसको असेंबल करने की कोशिश करते हो तो उस जी जीएसटी और बाकी टैक्स मौजूद है तो वो ये कह रहे हैं कि जी इसको भी आप खत्म करें कि मतलब जब हम कोई उसमें अगर वैल्यू एडिशन कर देंगे कोई हमारा फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को वैसे भी अगर कुछ रॉ मटेरियल आएगा तो वो सस्ता पड़ेगा बजाय कि आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वो मंगवा लो कंपोनेंट्स मंगा के इधर असेंबल नहीं करना

अच्छा गाइज व्हाट्सएप के बारे में फीचर जो है इट दिस माइट बी रोल देन लाइक अनदर टू टू थ्री मंथ्स वो ये कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा उनको टाइम लग रहा है वो ये है कि आप जो इतना कॉन्वर्सेशन चल रही होती है बड़ा कोई कोई आपने कॉन्वर्सेशन दिखानी है फ़ॉन से पहले आप स्क्रीन शॉट लेके आगे भेज देते हो कि यार ये पढ़ लें ठीक है तो स्क्रीन बंद होने लगे हैं न्यू फीचर के अंदर इस हद तक बंद होने लगे कि आप दूसरा फ़ोन उठा के भी उसका स्क्रीन नहीं ले सकते हैं इसी तरह आप किसी वीडियो की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और ऑडियो की भी वो अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग नहीं कर

वो नहीं तो नहीं आपको सोर्स पर ट्रस्ट होना चाहिए ना एक चीज दूसरी चीज ये अब अगर तुम ये कह रही हो तो जाहिर है ठीक ही कह रही होगी लेकिन ये बड़ी टेक्नोलॉजी मुझे समझ नहीं आ रही हाँ। कि मैं किसी और फोन से भी क्यों तस्वीर नहीं खींच थर्ड पार्टी ऐप से भी नहीं आप कर सकते थर्ड पार्टी ऐप तो समझ में है लेकिन किसी और फोन से आप क्यों नहीं खरीद सकोगे मुझे समझ नहीं आती वो होगा एक और फीचर भी नए व्हाट्स में आ रहा है और वो ये है कि आप पोल पोस्ट कर सकते हो जिसमें बार अप टू ट्वेल्व ऑप्शन हो सकते क्यों क्यों आप ग्रुप में पोल करा लो कि... क्यों करा रहा है किसकी क्या मजबूरी है इतनी एक्चुअली आपके जिंदगी में ना ग्रुप्स जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है सिंस मैं ग्रुप्स यूज नहीं करती हूँ हाँ, हम मर के पाँचें हैं बस उस उसमें भी मैं जवाब नहीं दे रही होती हूँ तो मुझे ना इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती हमारे स्क्रीन शॉटिंग से मुझे एक बहुत बड़ा मसला नेटफ्लिक्स के साथ है कि वाई डिड दिस स्टॉप द्रीन शॉट्स आपको पता है मैं मैं नेटफ्लिक्स की स्क्रीन को मैं स्क्रीन नहीं ले सकती दूस टू बी अ टाइम जब वहाँ के मैं ना वो जो डायलॉग नीचे सब चल रहे होते थे आई टेक उसमें और बड़े मज़े मजे की चीजें होती थी ठीक है जो आप हाँ लोग लगा देते थे नाउर स्टॉप डेड हम तो नहीं ले सकते मोबाइल पे नहीं नहीं लैपटॉप पे मैं जब भी वो कोशिश करती तो हूँ उसके ऊपर मतलब? वो काला वो हो जाता है नहीं तुम उसको स्पेस बार मार के उसको जब वो प्रिंट स्क्रीन ठीक वो भी नहीं होता स्निपेट जो यूज़ करती हूँ उससे भी नहीं होता ठीक है लास्ट फ्लाह तक मेरे पास ये नहीं चल रहा था ना आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप ये फीचर क्यों वापस ले रहे हो मतलब ये क्यों नहीं हम क्यों नहीं कर सकते उसमें क्या है दो सारे शोज करते ही हैं इस तरह बट एनी वे मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा था मज़ा आता था स्पेशली वो जो होता था ना इंटेंस स्क्रीमिंग इंटेंस म्यूजिक मैंने वो निकालने होते थे क्योंकि मैंने उसके साथ मीम्स बनानी होती थी नाउ आई कॉन्ट डू दैट एनी मोड अच्छा जी फ्लग का डैशबोर्ड बना ठीक है और शहबाज शरीफ ने कहा हमें पसंद नहीं आया एक तो बढ़िया इन्ना लेट कदों दा रुढ़ा पे पाकिस्तान हो ना उन्होंने होश आई है एंड नाव शहबाज शरीफ इस लाइक की जो मैंने कॉम्प्रीस बनाया था ना डेंगी के लिए उस टाइम पर ठीक है वैसी वैल्यूज आपको सारे उसके अंदर डालनी चाहिए मुझे ये पसंद नहीं आया उसके अंदर मज़ीद वैल्यूज डाली जाए दे। नहीं। नहीं? तो के के बगैर देखे हुए हाँ, उनका मसला है वो ये पहला आदमी है जिसने देखा है और उसने कहा है कि यार नहीं ठीक नहीं लग रहा मुझे और मुझे उसमें ये ये मसाइल नजर आ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है बजाय के अपने वो है ना एक और प्रोजेक्ट ऐड कर लेना कि मैंने ये भी लॉन्च किया और भाई वो था ही नहीं इसका बिल्कुल वो लॉन्च होता <laughs> ये जो है बहुत ही मैं तो हैरान हो गया हूं कि पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली फीता काटने से पहले कोई चीज देख ली

तो आई डोंट नो बट लेकिन मुझे ये था कि ए, मेरा एक्चुअल मसला सिर्फ इसके साथ ये है कि बहुत पहले ये मतलब बहुत इनिशियली सारी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करके एक ही दफ़ा बना देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि जी मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा फिर दो महीने बाद कहेंगे मुझे पसंद नहीं आ रहा ये भी डालो इसके अंदर और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि इट शुड बी एज सच

अब देखो ये क्या करते हैं सो so, इसमें एक बड़ी चीज नोट करने वाली है मैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो लॉन्ग टर्म डील हुई भी थी वो जो खकान खकानी ने की हुई थी उसका बेड़ा गर्क पीटीआई ने किया of उसको course. खत्म करके इसमें लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वाकई जो उसने डील की थी उसको बहुत अच्छी डील भी नहीं थी हुँ, हुँ, हुँ. और उससे पहले नून लीग ये करती रही है कि जितने लॉन्ग टर्म होते थे वो आके खत्म कर देती थी बेसिकली नून पीटीआई एक ही पार्टी है तो नहीं है ही एक पार्टी नहीं मैं नहीं वो तो देखो मुल्क जब बड़ा हुआ ना मतलब जब आबादी ज्यादा बढ़ गई तो जिस तरह क्रिकेटर बढ़ गए इंजीनियर बढ़ गए डॉक्टर बढ़ गए उसी तरह इलेक्टेबल्स भी बढ़ गए जब इलेक्टेबल्स बढ़ गए तो उन्होंने फैसला किया कि ऐसे कर लेते हैं दो पार्टियां है कर लेते हैं वरना तो, वो एक ही है। तो आ, जो इसमें बारीक बात है ना वो ये है कि अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो इस वक्त रात को दस बजे एंकरों ने घुस के फट जाना था अच्छा मिफ्ता होता उसको भी रगड़ देते हाँ। लेकिन आप आगे डार्लिंग साग बना तो आप ना खामोश है एंकर <laughs> तो कोई नहीं इस दफा एक रजा ये एक्स्ट्रा ले लेंगे बिजली <laughs> भी कोई बात नहीं ऐसे होता रहता है बोल के लिए कुर्बानी देनी है ना पहले भी दिया है भी देंगे <laughs> दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे

पेश कर दिया गया द डिबेट इज स्टिल ड्यू ऑन दिस और सादिक और अमीन मुझे शुरू से ही अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट लगता था बिकॉज यू कॉन्ट रियली प्रूव दैट अबाउट एनी पर्सन ठीक है और ये एक अजीब सी रिक्वायरमेंट थी जिसके ऊपर किसी भी चीज़ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसे सच नहीं बोला ये ठीक नहीं है तो बस ठीक है इसको डिसकवालीफाई कर दो तो आई थिंक इट शुड बी रिमूव्ड बिकॉज ये इसी तरह इस्तेमाल होता रहेगा फॉर पोलिटिकल एंड ऑल दैट ये बड़ी अब लंबी इसमें वो डिबेट है वो मसला ये है कि देते हैं आपकी नहीं प्रॉब्लम ये है कि वो आपने नहीं साबित करना कि आप सादिक और अमीन हो अगर किसी को ये लगता है कि आप सादिक और अमीन नहीं हो तो उसने आगे साबित करना कि आप सादी को अमीन नहीं मैं यही बात करी ना उन्हीं की बात करी मैं ये नहीं कह रही कि मैंने, मैंने साबित करना है

केसेस में इस तरह इस्तेमाल हुआ आप सादिक और अमीन नहीं रहे हैं चलो बड़े पांडे में।, में अब हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जाहिर है अगर आपके खिलाफ हाँ। कन्विक्शन हो गई भी है हाँ। तो फिर आप सादिक और अमीन हो के नहीं हो अच्छा खैर सुभान अल्लाह मैं चाहे मैं मुझे कोई और खबर याद आ रही थी ना अब ठीक है मुझे माफ कर दो बस ठीक है अच्छा आगे क्या है अच्छा जी लास्ट हम लोग करते हैं एफआईए वाली जो है ठीक है साइबर सिक्योरिटी वाली क्या खबर थी जो साइबर क्राइम जो बैंक थी वो एफआईए कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहे क्योंकि जो लोग आपका पहले तो लोग सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया दूसरी जो एप्स हैं आपकी वो हैक कर लेते थे अब वो उसके थ्रू जो है आपका पूरा का पूरा फोन हैक कर लेते हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोग हैक हुए हैं उनकी तस्वीरें निकल गई हैं उस और दीगर कोई और इन्फॉर्मेशन निकल गई है उसकी वजह से वो ब्लैक मेल हो रहे हैं और एफ आई ए ने कहा है कि बचने का जो हम कह रहे हैं कि केयरफुल रहें उसका तरीका सिर्फ़ एक है वो ये कि हर रैंडम बंदा जो आपको लिंक भेजता है उस पर आपने उंगल नहीं करनी मतलब किसी जगह पर उंगल रोक लिया हाँ। करें वो जैसे आज मुझे सुबह भी पता नहीं मेरे किसी मुझे टेक्स्ट आया हुआ था और उस पर उसने लिखा हुआ था योर पासपोर्ट नंबर क्लिक हियर ठीक है और मैं उधर तो रुक गई थैंक गॉड जितनी मैं डम्प मैंने कार भी देना था कि पता नहीं मेरे पासपोर्ट के साथ क्या हो रहा है तो मैं I don't know कि वो कहाँ से आया है किसने भेजा क्या हुआ है और वो एक रैंडम जो है कोई मोबाइल नंबर था जहाँ से नंबर से मैंने I mean, उसको क्लिक नहीं किया अगर आपको भी इस तरह का आता हैं ना उसमें आपके पासपोर्ट के बारे में कोई बात हो रही है प्लीज डो नॉट क्लिक कुछ है एनी वे आई थिंक ठीक है एनी anyway, वे uh, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें और पेट्रन बने इजी पैसा जायज कैसे और रास्त वगैरह जो है उस पर पैसे भेजते रह करें बाय बाय